नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे छोटे रसगुल्ले की खीर। छोटे छोटे रसगुल्ले, उसे हम दूध पकौड़ी भी बोलते हैं, छोटी रसमलाई भी बोलते हैं, कई लोग छेने की खीर भी कहते हैं। तो उसे हम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाएं, आज देखेंगे मसाला किचन। तो आज रसगुल्ला बनाने का जो सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका, वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको बिना झंझट के गाय का दूध ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैकेट मिलते हैं, हर जगह पैकेट मिल जाते हैं। या तो गाय का दूध आपको मिल जाए वो ले लीजिए, या पैकेट लीजिए। पैकेट में आपको कौन सा लेना है वो आप देखिए। एक आता है फुल फैट दूध, जिसमें 6% उसमें फैट होता है, वो हमें छेना बनाने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन जिस दूध में 3%, इससे जस्ट हाफ फैट होता है, टोन मिल्क जिसको बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। वो आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा और आपको इजीली इसमें से रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। एक बात और, एक 0% टोन मिल्क आता है वो ना लीजिए, टोन मिल्क लीजिए। उसको डबल टोन कहते हैं, इसको फुल फैट कहते हैं, इसे टोन कहते हैं। तो 3% वाला जो टोन मिल्क होता है वो ईजिली हर जगह मिल जाता है, उसका हम बनाएंगे रसगुल्ला। इसका रिजल्ट देख के आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे होती है। यहाँ देखिए, एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसे थोड़ा पानी से धो लीजिए। इसमें हम दूध डाल रहे हैं। हाँ, दूध पहले से उबला हुआ नहीं होना चाहिए जब आपको बनाना है। अगर आपने सुबह ले लिया है, दोपहर को बना रहे हैं, तो फ्रिज में रख लीजिए। यहाँ पर देखिए, हाफ लीटर दूध है, तो मैंने आधे नींबू का रस इसमें निकाल दिया है। आधा भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप करीब 2-2.5 चम्मच पानी डाल दीजिए। तो ये नींबू का हमने पानी ले लिया, नींबू भी इजीली आपको मिल जाएगा और ये दूध भी आपको इजीली मिलेगा। ये जो फैट वाला दूध होता है हमें बाद में लगेगा, जब हम रसगुल्ले बना लेंगे। दूध उबलने लगा है, हमें बहुत ज़्यादा दूध उबालना नहीं है। दूध उबाल आए, फर्स्ट उबाला आ जाए, गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए, दूध उबल के ऊपर आ रहा है, गैस बंद कर दीजिए। अब इस समय आपको ध्यान देना है कि हमें फौरन नहीं इसे फाड़ना है। मैंने कई बार छेना आपको फाड़ के दिखाया है। पनीर फाड़ना होता है तो अलग बात है, ये छेना हमें बहुत सॉफ्ट चाहिए, तभी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो पहली चीज़ आपने ये देखी कि हमें टोन मिल्क चाहिए, फुल फैट मिल्क नहीं चाहिए, या फिर गाय का दूध चाहिए, भैंस का दूध नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, हमने दूध को उबाल लिया, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसकी जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो कम करेंगे। इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मलाई आ जाती है। इसे इस तरीके से चलाइए। छेने पर डिपेंड करता है आपका रसगुल्ला। रसगुल्ला तभी अच्छा बनेगा जब छेना आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, दूध की जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अब नहीं है, तो 2-4 मिनट हमने चला लिया। अब इसको हम धीरे धीरे फाड़ेंगे। 1-1 चम्मच नींबू वाला पानी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। आप सिरके से भी कर सकते हैं, पर क्योंकि नींबू हर वक्त अवेलेबल होता है घर में, ये देखिए फटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं फटा है। गर्मी अगर ज़्यादा है और पूरी तरीके से फटाफट से फट जाता है, तब आप ये बचा हुआ पानी न डालें। ये देखिए, पानी बच गया है नींबू का, और इसमें ये देखिए एक ग्रीन सा पानी दिखने लग गया है और छेना अलग से दिखने लगा है। ये देखिए, अब ये छेना जो है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि हमने जिस तरीके से इसे फाड़ा है इसी तरीके से फाड़ना है। देखिए, ग्रीन कलर का पानी अलग हो गया। अब जो बच गया है इसे हम बाद में दूसरे यूज में ले लेंगे। यहाँ पर रखा है मैंने एक बाउल, एक सूती कपड़ा लेना है, यहाँ पर देखिए
इसके ऊपर हमें पानी डालना है, क्योंकि नींबू की खटास है वो हमें नहीं चाहिए। ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं सब्जी की ग्रेवी में, या आटा लगा सकते हैं। एक बार और पानी से इसे धो लेते हैं। और इसे टाइट हम बांध देते हैं। अब तीसरी चीज़ जो है इसके लिए ख़ास बात है, वो है ये कि इसे आप कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरीके से बांध के रखिए। बांध के रखने से इसमें पानी नहीं होगा, आपका शेप वाला रसगुल्ला बनेगा जैसा चाहेंगे, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैदा वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। थोड़े मैदे से ही हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा मैदा डालने से रसगुल्ला टाइट हो सकता है, कम मैदा डालने से वो बिखर भी जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको यहाँ पर 2 घंटे के लिए इसे बांध के रख देना है। यहाँ देखिए, उतना ही आधा लीटर दूध का मैंने पहले से ही इस छैने को बना के रखा है। सॉफ्ट सा छैना है, 2 घंटे बाद भी वो उतना ही नरम है। तो ये हमने बना के रखा है, अभी हम रसगुल्ले इसको बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हम बना रहे हैं छेने की खीर, इसको दूध पकौड़ी भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने फुल फैट दूध लेना है। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसे मैं दूसरे गैस पर चढ़ा देती हूँ। इसे हम थोड़ा सा उबाल लेंगे, आधा नहीं करना, आधे से ज़्यादा ही बचाना है। तो हम इसको स्लो गैस पर इधर धीरे धीरे उबलने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें रसगुल्ला उबालने के लिए एक मोटे तले का बर्तन लीजिए और थोड़ा खुला लीजिए। कढ़ाई ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं, मेरे पास चौड़ा सा कुकर है। तो यहाँ पर मैं करीब 1 लीटर पानी डालूँगी। 1 लीटर, 1 लीटर से भी ज़्यादा हो चलेगा, 1 लीटर से ज़्यादा ही है। 1 कटोरी भर के मैं चीनी डाल रही हूँ, करीब 200 ग्राम से ज़्यादा है या कम है, मतलब 1 कटोरी भर के मैंने ले लिया है। इसे हम पकने देते हैं, थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देते हैं, बीच बीच में एक आध बार चला लेंगे। इधर हम छेने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम छेने को एक प्लेट में रखेंगे और हथेली से इसे मलेंगे। ये देखिए, इस छेने के अंदर पानी न होने की वजह से बहुत ही बढ़िया ये ऐसे मल पा रहे हैं। अगर पानी होगा तो हाथ चिपकेंगे, फिर हाथ चिपकेंगे तो आप इरिटेट होंगे। घर में बहुत ही सस्ते, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। खाली आप एक बार ट्रिक्स को ध्यान में रखें, पूरे वीडियो को देखें एंड तक, आपको इसका रिजल्ट आएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर ये मैदा है मेरे पास, कॉर्नफ्लोर नहीं, आरारोट नहीं, नॉर्मल मैदा है। ये देखिए, नॉर्मल जो घर के चम्मच होते हैं, पूरा भर के नहीं, थोड़ा कम डालना है, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और 5 से 7 मिनट तक करीब इसे हमें मलना है। टोन मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट ना होने की वजह से बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले बनते हैं। ये देखिए, हाथों में हल्की सी शाइन आ गई है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जो भी फैट था वो हाथों में आ गया, इसका मतलब ये हमने अच्छे से इसे मैश कर लिया है। हम इसके बनाएंगे बॉल्स। इस वक्त यदि गीला होता तो हम बॉल्स बना नहीं पाते, और फिर वो बॉल्स अक्सर फ्लैट हो जाते हैं। कई शिकायत आती हैं रसगुल्ले में कि हमने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा हुआ, रखने के बाद फ्लैट हो गया, क्योंकि गीला अगर छेना होगा तो फ्लैट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा परफेक्ट है। यहाँ चाशनी को भी देख लेते हैं हम। शुगर घुल चुकी है और अब इसमें अच्छे से उबाल आने की देर है, तब तक हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए हम बहुत छोटे छोटे बनाएंगे, हमें बहुत छोटे छोटे रसगुल्ले चाहिए। ये देखिए, कोई क्रैक नहीं है इसके अंदर, ऐसा ही चाहिए। आधे लीटर दूध से जो छेना बनाया था उसमें से हमारे छोटे छोटे छेने के 50 बॉल बने हैं।
तो एक लीटर दूध से करीब 100 बॉल्स बन जाएंगे। मैंने आधा लीटर जो अभी फाड़ा है उसको भी मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम कवर कर देते हैं जिससे उबाला बहुत अच्छे से आ जाए। घर में जो भी आपके पास फुल फ्लेम वाला गैस हो उसमें ही आप बनाइए। ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है, ऐसे में हमें ये डालना है। अब इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट के लिए इसे ढककर इसी तरीके से पकने दीजिए, उसे कोई टच नहीं करना है। 5 मिनट बाद हम इसे छोटे चम्मच से धीरे धीरे चलाएंगे। एक बार और देख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, आप देख लीजिए। ये आपको दिख रहे हैं इनकी साइज़ बड़ी हो रही है। तो बस अभी आप इनको कुछ नहीं करिए, 5 मिनट तक अच्छे से 5 से 6 मिनट तक उबलने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा चम्मच लीजिए और इस रसगुल्ले को धीरे धीरे बैक साइड ऐसे चला लीजिए। वापस इसे ढक दीजिए और करीब करीब 15 मिनट तक भूल जाइए, इसे उबलने दीजिए। बाई चांस कभी आपने पानी कम डाला हो, आपको लग रहा हो कि पानी कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ गैस पे पानी थोड़ा सा गर्म कर लीजिए अच्छे से और वो धीरे धीरे इसमें डाल दीजिए। तो पानी जितना अच्छा होगा वो उबलेगा और तभी वो उसका कच्चापन नहीं रहेगा। ये फुल फैट जो दूध है उसे हमने 1 किलो से करीब 1.25 किलो कर दिया है उबाल के, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। रसगुल्ले को देखिए, आप खुद चौंक जाएंगे, इतने छोटे छोटे से बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, वो कितने बड़े बड़े हो गए। और देखिए दूध पकौड़ी या दूध का छेना जो हलवाई लोग बनाते हैं, जो शादियों में मिलता है, इतने छोटे छोटे ही रसगुल्ले होते हैं। ये देखिए आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया है। ये देखिए सॉफ्ट सा है, हल्के हाथ से फिर से एक बार चला लीजिए। मुझे पानी डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि अभी उसमें इनफ पानी है। अगर पानी कम हो जाता है तब आप डाल सकते हैं। बस 5 से 6 मिनट मुझे और उबालना है। कुल मिला के मुझे 20-22 मिनट इसे टोटल उबालना है। अब करेक्ट 20 से 22 मिनट हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग से, इतने सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। अब गैस हम बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा सा इसी में ही रहने देते हैं करीब 10-15 मिनट। अब इसे हम इसमें पलटते जा रहे हैं। वैसे तो इन रसगुल्लों को इसी समय आप दूध में डाल सकते हैं जो दूध हमने उबाल के रखा है। अभी हम रसमलाई इसकी बना सकते हैं, लेकिन इसका सही रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा जब इन रसगुल्लों को आप 3 से 4 घंटे ऐसे ही इस रसे में रहने देंगे। उसकी वजह क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब हम ये खाते हैं तो इसका दूध थोड़ा फीका फीका होता है, रसगुल्ला अच्छा मीठा होता है। तो रसगुल्ला तभी मीठा हो पाएगा जब आप इसे चाशनी में करीब करीब 4 घंटे के लिए रहने देंगे। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद आप 1-2 घंटा फ्रिज में भी रख लेंगे, बढ़िया ठंडे से हो जाएंगे ना, फिर आप इसको रसमलाई जब बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इस वक्त अगर आपके पास है थोड़ी सी तो थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। केसर डालने से ये एकदम से येलो नहीं होंगे लेकिन हल्का सा येलोइश शेड आएगा इसके अंदर। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, मैं इसे 1-2 घंटे बाद फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे के लिए। मैं आपसे मिलूंगी अब 4 से 5 घंटे बाद। 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा था, करीब 3 घंटे से ये फ्रिज में रखा है। तो ये थोड़ी सी जो हमने केसर डाली ऊपर से तो हल्का येलोइश चाशनी हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये छेने की रसमलाई बनाइए, आप ऐसे ही देख लीजिए। अगर आपको ऐसे छोटे रसगुल्ले बनाने हैं टोन मिल्क से, तो ये देखिए ये छोटा सा रसगुल्ला है, ये देखिए कितना अच्छा मैंने स्क्वीज़ कर दिया। अब वापस इसके अंदर डल के ये वापस ही
ऐसे, ये देखिए वापस ये वैसा ही मोटा हो गया। इसका मतलब ये बहुत ही स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी होने के साथ ये सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसका खीर बनाएंगे। यहाँ देखिए दूध को जो हमने उबाल उबाल के उसे कम कर दिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध में करीब 4 चम्मच चीनी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मीठा ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको वापस से उबाल लेते हैं एक बार। इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, बहुत थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं। अभी हमें इन रसगुल्लों का रसा नहीं डालना है, सिर्फ ये छोटे छोटे रसगुल्ले डालते जाना है। 4-4, 5-5 रसगुल्लों को इस तरीके से निकालिए और इसके अंदर डालते जाइए। लेकिन ये दूध उबलने के बाद ही आप डालिए। अब क्योंकि रसगुल्ले में अंदर रसा है तो इसे दूध जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसको 5-7 मिनट फिर से उबालेंगे तो ये वापस गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास शुगर सिरप बच गया है, तो इस शुगर सिरप को हमें वेस्ट नहीं करना है, कोई हमने रीठा वीठा डाला नहीं हुआ है। या तो आप इसे और ज़्यादा पका पका कर चाशनी टाइप बना लीजिए, कुछ और चीज़ बना लीजिए, पर उसमें भी फिर भी मेहनत होगी। मैंने तो अभी छेना बनाया था जो आपके सामने, उसे मैं इसी में ही थोड़ा और चीनी, थोड़ा पानी डाल के करीब 1 लीटर पानी डालूंगी, 1/2 कटोरी चीनी डाल दूंगी और वापस वो जो छेने के बॉल्स बना के इसी पानी में उबालूंगी। धीरे धीरे इस तरीके से चलाते जाइए। ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। आपने देखा ये रसगुल्ले जो हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल इसी दूध के जैसे कलर में हो गए हैं। अभी अच्छे से हमने उबाल लिया है, अभी इससे ज़्यादा उबालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, गैस बंद करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगेगा। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर वापस हम इसे अच्छे से फ्रिज में रखेंगे 3-4 घंटे, तभी इसका सही रिजल्ट मैं आपको दिखा पाऊंगी। क्योंकि इससे अगर हमने ज़्यादा उबाला तो वो दूध अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। इसे ठंडा करके मैं एक डिश में डाल के रख देती हूँ। ये इंतज़ार खत्म हुआ, इसे फ्रिज में रखे हुए पूरी रात हो गई और अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए दूध के साथ इतनी बढ़िया वो सेट हो गई हैं, दूध भी बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके सामने आपको रसमलाई किसी और की पसंद ही नहीं आएगी। एक बार बना लेंगे ना, बार बार बनाएंगे। ये मैंने सर्व कर ली है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी, जब मैंने आपके सामने जो छेना फाड़ा था उसे मैंने बाद में रसगुल्ले वैसे ही बनाए हैं, इसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार। आपका मन करे तो आप सिर्फ रसगुल्ला बना लीजिए, बहुत ही इजी है बनाना, और आपका मन करे तो इस तरीके से छेने की खीर बना लीजिए। तो देखा ना आपने कितना सरल है, इसे सिर्फ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, ध्यान से इसे देखना होगा, सारी बातें समझनी होंगी, फिर ही आप इसका बनाना शुरू करें। तो अब रसगुल्ला बनाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।